अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ तराई की सब्ज़ी, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ, जो देख रहे हैं आप, ये कद्दू का साग है। इसे कद्दू भी बोलते हैं, कदीमा भी बोलते हैं, ये उसी का साग है। तो इसका जो सॉफ्ट पत्ता है वो हम डालेंगे, और इसकी जो सॉफ्ट डंटियाँ हैं उसे भी हम डालेंगे। आप देख सकते हैं ये किस तरीके का साग है, इसके साथ बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ एक बर्तन में हमने पानी लिया है। अब पहले हम तराई का जो स्किन है उसको हम अच्छी तरीके से उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर का जो स्किन होता है वो टाइट होता है, तो इसे अच्छी तरीके से पील कर लेना चाहिए। इसका जो भी ऊपर का ग्रीन है उसे हम अच्छी तरीके से पील कर लेंगे। इसकी जो सब्ज़ी होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है। अब इसे हम वॉश कर लेंगे। तराई को हम पील करने के बाद वॉश करेंगे, उसके बाद कट करेंगे। अब ये जो कद्दू का साग है, हम आपको ये बनाकर दिखाएंगे इसे कैसे बनाते हैं। साग में जो सॉफ्ट डंटियां हैं उसे भी हम रखेंगे, और डंटी के ऊपर से हम इस तरीके से आप देख सकते हैं निकाल लेंगे। इसे हम नहीं रखेंगे, इसे निकालना है। अब ये जो सॉफ्ट डंटियाँ, इसे हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसे चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही टूट जाता है, इसे हम हाथ से ही तोड़ लेंगे। और ये जो भी हमने दिखाया इसे भी हम फेंक देंगे। इसका जो छोटे पत्ते होते हैं उसे भी हम रखेंगे, देखिए इस तरीके से इसे हम फेंक देंगे। इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का होता है, और तुरई के साथ तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। तो जो भी साग है हमारे पास, सबको हम इसी तरीके से साफ़ करेंगे, इसी तरीके से इसकी जो सॉफ्ट डंटियाँ होगी उसे हम रखेंगे। देखिए माशाल्लाह, हमारा जो तुरई है वो भी साफ़ हो गया है और कट गया है, और कद्दू का साग को भी हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। इसकी डंटियाँ भी हमने रखी हैं साफ़ करके, बहुत ही जल्दी गल जाता है, और इसके पत्ते भी हमने रखे हैं। यहाँ मसाला लिया है हमने, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च लिया है हमने 5 अदद, नमक 1 टीस्पून, प्याज लिया है हमने मीडियम साइज़ और उसे हमने कट कर लिया है। यहाँ हमने 1 टीस्पून सरसों लिया है। एक बर्तन में हमने ऑयल गर्म कर लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सरसों डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें हम सरसों का तड़का लगाएंगे, बहुत मज़े का होता है। सरसों को हम कवर कर देंगे और कुछ देर तक इसे पकने देंगे। सरसों हमारा पक गया है। अब इसमें पहले हम तराई डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तराई डालने के बाद फौरन इसे कवर कर देना है, ताकि इसकी जो खुशबू है वो अंदर ही हो। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। जो मसाला है, प्याज है, हरी मिर्च है, सब इसमें हम डालेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छी तरीके से चलाना है। तुरई की सब्ज़ी में मसाला बहुत कम देना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं होता। ये कम मसाले में ही बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें हरी मिर्च ज़रूर डालें, हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है इसमें बहुत ही अच्छा होता है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मिक्स हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, मसाला और तुरई बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, तराई में नेचुरल बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, इसी में बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएगा और गल जाएगा। अब इसमें हम कद्दू का साग डालेंगे। बिस्मिल्लाह।
साग को हमने रख दिया है अच्छी तरीके से। इसे अब हम नहीं चलाएंगे, इसे अब हम कवर कर देंगे। इसमें हमने पानी नहीं रखा है, साग और तरई दोनों में ही नेचुरल पानी होता है, उसी में अच्छी तरीके से गल जाएगा। 3 मिनट के बाद हमने चेक किया है, देखिए माशाल्लाह तरई और साग आधा गल गया है। आप देख सकते हैं पहले से ये कितना कम हो गया है और इसमें पानी भी कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। इसे फिर से हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे ताकि हमारा जो साग है और तरई है वो अच्छी तरीके से गल जाए। इसे हम फिर से चेक करेंगे, बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट इसे हम ढककर पकाएंगे और फिर इसे हम चेक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं अब इसका जो पानी है वो भी काफ़ी कम हो गया है और सब्ज़ी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है। ये बनाना भी बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग इसे बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बनाने के टाइम में ये कितना ज़्यादा था, हमारा जो बर्तन है ये पूरा फुल था। अब देख सकते हैं ये कितना कम हो गया है। सब्जी हमारा रेडी हो गया है, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब आपको हम डिश आउट कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये सब्ज़ी बहुत ही कम मसाले में बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें सब्ज़ी हमारी बन गई है और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी बनी है। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहत के साथ रखे, सारी परेशानियों से दूर रखें। आप लोग हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।